बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसएसटी के 102 पोस्ट अनाउंस किए हैं फीमेल के लिए। तो इसको हम देखेंगे कि कितना पोस्ट ओवरऑल पाकिस्तान के हैं, हर सूबे के कितने पोस्ट आ रहे हैं, और इसके सिलेबस भी आपसे शेयर करेंगे। तो इसका केस नंबर है, ये अप्लाई में आपके काम आता है, 129 इसका केस नंबर है, और सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी फीमेल है और 17 ग्रेड का है, परमानेंट है, और ये फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। तो इसमें आपको एजुकेशन आपका क्या रिक्वायर्ड है, तो इसमें सेकेंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री विद बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाई एचएससी। यानी कि इसमें आपको या तो आपके पास मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए, किसी भी यानी कि सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है तो आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपने मास्टर यानी कि एजुकेशन में किया है या एम्पल एजुकेशन में किया है तो ये भी चलेगा, इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। एमए एजुकेशन आपने किया है तो इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो एज लिमिट दिया है आपके 22 साल और 22 से 30 आपका कम से कम 22 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होना चाहिए। अगर 30 से आप ज़्यादा है आपका एज तो 5 साल जनरल रिलैक्सेशन है एज का, यानी कि आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हो। नंबर आप वैकेंसी आपके कितने पोस्ट हैं, इसमें नंबर आपने दिए हैं कि 102 यानी कि 102 पोस्ट हैं। डोमिसाइल कोटा के हिसाब से देखें तो ओपन मेरिट में ओवरऑल पाकिस्तान में 8 पोस्ट ओपन मेरिट में हैं और पंजाब में 51 पोस्ट हैं और ओपन मेरिट पंजाब में ओपन मेरिट में 49 हैं, और पंजाब के माइनॉरिटीज़ इन नॉन मुस्लिम कोटा में 2 पोस्ट हैं, और सिंध रूलर है उसमें ओपन मेरिट में 11 पोस्ट हैं, और सिंध अर्बन में 8 पोस्ट हैं ओपन मेरिट में, 8 पोस्ट हैं और सॉरी ओपन मेरिट में 7 पोस्ट हैं और एक मिनोरिटी है नॉन मुस्लिम का है। खैबर पख्तूनख्वा में ओपन मेरिट में 11 पोस्ट हैं, 11 हैं, और बलूचिस्तान के ओपन मेरिट में 6 पोस्ट हैं, एक्सपोर्टा के ओपन मेरिट में 3 पोस्ट हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर ओपन मेरिट में 2 पोस्ट हैं, टोटल 3 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट में 2 पोस्ट हैं और एक माइनॉरिटीज़ इन नॉर्थ मुस्लिम कोटा में है। जीबी गिलगित बलूचिस्तान में ओपन मेरिट में 1 पोस्ट है, और इनकी पोस्टिंग आपके पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो सकता है। तो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 22 जुलाई 2024 है, और इसका सिलेबस मैं आपसे शेयर करूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी फेडरल में सिलेबस के बगैर आप टेस्ट किसी भी तरह पास नहीं कर सकते हो। तो इसका सिलेबस ये है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में 20 नंबर हैं और दूसरे पार्ट के 80 नंबर हैं। तो ये टोटल इसका जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज टाइप होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज होगा टेस्ट में। तो 20 इंग्लिश के हैं और दूसरे पार्ट में जिसके 80 नंबर हैं वो आपके प्रोफेशनल टेस्ट होगा। तो प्रोफेशनल यानी कि सब्जेक्ट रिलेटिव होगा, तो आपको मैं इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आते हैं वो भी आपको से शेयर करूंगा। तो पहले पार्ट में जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका वोकैबुलरी आएगा, ग्रामर यूजेज आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आएगा। तो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपके जो पेडागोजी इसमें सिलेबस में पेडागोजी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसके बारे में एमसीक्यूज आएंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, इसके एमसीक्यूज, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन और एजुकेशन फिलोसफी के, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के आएंगे, टीचिंग मेथोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के आएंगे, और टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगा, और क्लासरूम मैनेजमेंट आएगा, एजुकेशनल
मैनेजमेंट एंड एवोल्यूशन आएगा, थोड़ा सा आपने ये मैं आपसे शेयर करूँगा। रिसर्च टेक्निक एंड एजुकेशन का आएगा, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसमें से भी एमसीक्यूज आएगा। और सबसे लास्ट है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के भी इसमें आएंगे सवाल। तो ये था इसका सिलेबस। अगर आप लोगों को अप्लाई करना नहीं आता है तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह अप्लाई करने के तरीके के लिए एक वीडियो अलग से बना के शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।